आज पूरे देश और प्रदेश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है रोशनी और उल्लास का पर्व दिवाली। बॉर्डर पर जवान भी मना रहे हैं दीपोत्सव। लोगों में दिख रहा है गजब का उत्साह। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगातार 14वें साल वनटांगियों को गांव के लोगों संग मनाई दिवाली। करीब 80 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की दी सौगात। 62 ग्राम पंचायतों के कॉमन सर्विस सेंटर का किया शिलान्यास। निरीक्षण के दौरान सीएम योगी का दिखा अनोखा अंदाज। मासूम बच्चों को सीएम योगी ने गोद में लेकर किया दुलार। सीएम योगी ने बच्चों को दिए तोहफे। 4 बच्चों का कराया अन्नप्राशन। वनटांगिया समाज के बीच सीएम योगी ने किया भोजन। सीएम के साथ मत्स्य मंत्री संजय निषाद साथ में रहे मौजूद। सीएम योगी को अपने बीच पाकर बेहद खुश दिखे वनटांगिया गांव के लोग। सुबह अयोध्या में सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी मंदिर के किए दर्शन। दिवाली पर लिया भगवान हनुमान का आशीर्वाद। स्वतंत्र देव सिंह भी रहे मौजूद। प्रदेश की सुख शांति के लिए भगवान से की कामना। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में की पूजा अर्चना। दिवाली के मौके पर लिया रामलला का आशीर्वाद। पीएम मोदी ने बॉर्डर पर मनाई जवानों के साथ दिवाली। दिवाली के मौके पर पीएम मोदी ने जवानों का मुंह मीठा कराया। पीएम मोदी ने जवानों को खिलाई मिठाई। पीएम मोदी को अपने बीच देखकर सेना का जोश शाही। जवानों ने लगाए देशभक्ति के नारे। पीएम मोदी ने जवानों को किया संबोधित। सेना के शौर्य को किया याद। मुरादाबाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने लोगों को दी दिवाली की बधाई। विरोधी दलों पर साधा निशाना। कहा पुरानी सरकारों में त्योहार पर लगाए जाते थे प्रतिबंध। कानपुर के महालक्ष्मी मंदिर में दिवाली को लेकर खास सजावट। मंदिर को 10 से लेकर 2000 लाइटों से सजाया गया। भाई दूज के त्योहार तक रहती है सजावट।